इस वक्त मैं अरौली सेक्टर 6 में जो सेवा केंद्र है इस जगह पर मैं खड़ा हूँ। अभी हाल ही में जो लोक नेता और यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गणेश नाइक जी ने इसका उद्घाटन किया है। आप यहाँ पर सेवाएं देख सकते हैं कि ये एक ऐसा केंद्र खोला गया है जो अप्रशासकीय है, मतलब सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं, बल्कि यहाँ नवीन भाई अरौली के पहले आमदार विधायक संदीप नाइक की पहल पर यह खोला गया। और यहाँ पर किस किस तरह के ये जो दाखिले हैं, जितने भी दस्तावेज हैं, कौन कौन से मिलने वाले हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये उत्पन्न का दाखिला यानी आय का दाखिला, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमी लेयर्स, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, गुमस्ता, उद्योग आधार, स्मार्ट कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक जो पहचान पत्र है, आधार अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने नाम में बदल कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, फूड का लाइसेंस मिल सकता है, स्कूल कॉलेज और ऑनलाइन जितने भी फॉर्म जरूरी हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और इस सेवा केंद्र में ये सारी जितने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज हैं, ये जो सरकारी दस्तावेज है, जो नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए और दूसरे सरकारी प्रयोजनों के लिए जितनी भी ज़रूरत रहती है, वो सारे दस्तावेज यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं। मैं अभी इस वक्त आपको इस कार्यालय में ले जाना चाहता हूँ जिसकी शुरुआत की गई है। और इस कार्यालय में जो तरह तरह की जो सुविधाएँ मिलने वाली हैं सरकारी दस्तावेजों की, उसको मैं एक बार दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जब ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स को पहले सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन, यह उसमें लिखा हुआ है कि आपको राशन कार्ड चाहिए, UID आधार कार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल चाहिए, टैक्स रिसिप्ट और विद्यालय छोड़ने का दाखिला, जन्म प्रमाण पत्र, बोनाफाइड, ये सारी चीज़ें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त कैसे ज़रूरी रहेंगी। इसी तरह से नॉन क्रिमी लेयर सर्टिफिकेट्स के लिए किस किस किन किन दस्तावेजों को आपको जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है यानी रहवासी जो दाखिला होता है, उसके लिए भी जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं कि एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट के लिए, रहवासी दाखिला के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं, जैसे इसमें आप बोनाफाइड और जाति का उल्लेख जिसमें हो, इस तरह का स्कूल छोड़ने का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट और फादर स्कूल लिविंग और कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 साल पहले का फॉर्म 16 यानी आयकर टैक्स का जो फॉर्म 16 लास्ट तीन ईयर का, इसमें जमा करना पड़ेगा। सभी कागज पत्रों को सेल्फ अटेस्टेड करने की इसमें जानकारी दी गई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि हाँ, सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट भी किस किन किन डॉक्यूमेंट्स पर मिलेंगे, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। उसके साथ इनकम जो सर्टिफिकेट होता है, जो आय का जो सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र, उसके लिए भी यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं। और यहाँ पर हायर सेल्फ सर्टिफिकेट, जो सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात होती है कि हायर सेल्फ सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे लोगों को पापड़ मिलने पड़ते हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसमें आसानी से लिखा हुआ है कि इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हायर सेल्फ यानी विरासत के लिए जो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति घर का बुजुर्ग या जो मुखिया अगर एक्सपायर होता है, तो उसके बाद उसके बच्चों को जो विरासत जो मिलनी चाहिए, जो उसकी संपत्ति है और दूसरे जो आय या दूसरी चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं, तो वो कैसे बच्चों को ट्रांसफर होंगे, इसके लिए ये हायर सेल्फ सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत होती है। इसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है। और यहाँ पर इन सब को निकालने के लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट यानी जो न्यूनतम आय वर्ग के लोग हैं वो कैसे सर्टिफिकेट पा सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको अपने पहचान के लिए सारी चीज़ें देनी पड़ती है, जैसे वोटर ID हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, शासकीय अथवा अशासकीय जो कोई संस्था है उसका पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और उसके अलावा जो है रोजगार हमी योजना का जॉब कार्ड भी इसमें शामिल हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि नवी मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ बड़े पैमाने पर यहाँ पर माइग्रेटेड लोग यानी दूसरे प्रांतों के लोग रहते हैं, उनके लिए जब EWS सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। बाहर से आने वाले राज्यों के स्थानांतरित होकर यहाँ पर रहने वाले जो स्थानीय लोग बन गए हैं, उनके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्कूल छोड़ने का दाखिला, इलेक्ट्रिक बिल, जिस घर में वो रहते हैं, अगर भाड़े पे घर में रहते हैं तो भाड़े का घर, टेलीफोन का बिल, और उनको जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके अलावा जो उन्होंने सरकार को टैक्स भरा हुआ है, चाहे वो नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, वहाँ से अगर किसी ने उन्होंने टैक्स भरा है, तो उसके लिए ये सारे दस्तावेज उस वक्त जरूरी रहते हैं, ताकि बाहर के लोगों को, जो दूसरे प्रांतों से आए हुए लोग हैं, उनको भी यहाँ से आसानी से सर्टिफिकेट मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें आप, एज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देने की जानकारी दी गई कि किस तरह से एज सर्टिफिकेट मिलेंगे, मतलब उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट का, वो जो विद्यालय का कोई प्रमाण पत्र है वो, अगर वो नहीं है तो उसके अलावा
प्राथमिक जो स्कूल है उसका प्रवेश पत्र का उतारा आपको चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, और 1968 से पहले का जो स्कूल छोड़ने का जो दाखिला है महाराष्ट्र का वो आपको देना पड़ेगा। मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा इस सेवा केंद्र में और क्या सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। जैसे यहाँ सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट ज्येष्ठ नागरिक दाखिला है, इसमें ये पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं कि किन किन दस्तावेजों के आधार पर ये आपको सीनियर सिटीजन का दाखिला मिल सकता है। ये आपने देखा इनकम सर्टिफिकेट है या हायरशिप सर्टिफिकेट है, उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिलियर का आप देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे दस्तावेज लेने के दौरान, चाहे वो छात्र हों, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हों, या बाहर से आए हुए जो माइग्रेटेड लेबर या दूसरे लोग हैं, अगर डोमिसाइल वगैरह वो पाने की उनको जहां जरूरत रहती है, अगर वो हासिल करना चाहते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में ये सेवा केंद्र निश्चित तौर पर जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर की गई है ये बहुत फायदेमंद हो सकती है। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर किन किन तरह की ये सुविधाएँ यहाँ पर मिलेंगी सेवा केंद्र में आपको। ये उत्पन्न का दाखिला है, डोमिसाइल दाखिला है, नॉन क्रिमिलियर, जाति का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, गुमास्ता, उद्योग आधार, स्मार्ट कार्ड, ज्येष्ठ नागरिक दाखिला, आधार अपडेट कर सकते हैं, अपने नाम में बदल सकते हैं, गजट कर सकते हैं, फूड लाइसेंस ले सकते हैं, शाला कॉलेज ऑनलाइन फॉर्म वहां पे पा सकते हैं, नौकरी संबंधित जो भी फॉर्म की जरूरत है वो आपको मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक और आपके स्कूली शिक्षा से लेकर और आपके नौकरी तक का प्रमाण पत्र यहाँ पर मौजूद हो सकता मिल सकता है। इस सेवा केंद्र के जरिए आपको मदद मिलेगी। तो ऐरोली सेक्टर 6 में ये जो बीजेपी के प्रथम आमदार हैं संदीप नाइक जी, उनके ये जनसंपर्क कार्यालय में और विधायक और लोक नेता गणेश नाइक जी के जनसंपर्क कार्यालय में ये सेवा केंद्र खोला गया है, जनता के लिए खोला गया है। अभी हाल में उन्होंने उद्घाटन किया, उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर यहाँ पर सेवा सुविधाएं कैसे उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जो उसका मूल रेट है, जो सरकारी जो शुल्क लगता है, उस शुल्क के सिवा कोई भी अलग से यहाँ पर चार्ज कोई देना नहीं होगा। और जो लोग गरीब होंगे बेहद, या जो विकलांग होंगे, या ऐसे लोग जिनके पास पैसा देने की क्षमता नहीं है, उन लोगों को इस सेवा केंद्र के जरिए यानी विधायक गणेश नाइक जी के जरिए ये सारा का सारा खर्च ये कार्यालय करेगा और उनको मुफ्त में ये सारे सेवा केंद्र के जरिए सारे सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ ये देखिए इस सेवा केंद्र में पहले व्यक्ति, आप क्या देख रहे हैं सर? ये पढ़ रहे। आपको लगता है कि ये सेवा केंद्र इम्पोर्टेंट है? अच्छा है, सबके लिए अच्छा सुविधा है। कितनी तकलीफ होती है आपको लगता है कि जब इस तरह के अगर सेवा केंद्र नहीं होते हैं तो सर्टिफिकेट लेने के लिए, जैसे आपको सीनियर सिटीजन है, हाँ। आपके सर्टिफिकेट के लिए डोमिसाइल के लिए बहुत दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, बहुत घूमना पड़ता है, खर्चा होता है और टाइम पे मिलता नहीं, आज आओ कल आओ ऐसा। तो ऐसे में जब ये नाइक साहब ने ये शुरुआत कर दी है तो आपको लगता है कि ऐरोली में एक बड़ा केंद्र ऐसा सेवा केंद्र हो गया जहाँ से रियल में लोगों को सुविधा मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, मिलेगी। तो क्या इस केंद्र के जरिए आपको लगता है कि कोई आप सर्टिफिकेट वगैरह लेना चाहेंगे, आपकी इच्छा है? हाँ लेना चाहेगा, ज्येष्ठ नागरिक का। अच्छा ज्येष्ठ नागरिक का, जैसा आपने सुना कि ज्येष्ठ नागरिक का कार्ड के लिए, देखिए पहला दिन है, अभी शुरुआत हुई है और इसी दिन ये यहाँ के ऐरोली के एक बुजुर्ग हैं जिनको ज्येष्ठ नागरिक कार्ड अभी तक नहीं मिला, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह की यहाँ सेवा सुविधा दी जा रही है निश्चित तौर पर इनके जैसे तमाम लोगों को, सीनियर सिटीजन को सीनियर कार्ड मिल सकता है, छात्रों को उनके लिए स्कूल सर्टिफिकेट और दूसरी जो जरूरत की चीज़ें हैं जैसे आय प्रमाण पत्र या नॉन क्रिमिलेयर, इस तरह की बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनसे मिल सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग नवीनबई में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं शुरू किया गया बल्कि पूरे नवीनबई करों के लिए शुरू किया गया, और ये सेवा ऐरोली के बीजेपी विधायक गणेश नाइक के जरिए शुरू की गई है। और ये उम्मीद उन्होंने की है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि इस सेवा केंद्र के जरिए अगर इनमें से कोई भी आपको सरकारी दस्तावेज की जरूरत है तो आप इस सेवा केंद्र में आ सकते हैं, और कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे उसे हासिल किया जाए, ये सारी जानकारी आप पा सकते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी नवीनबाइकर हैं निश्चित तौर पर इस बेहतरीन सेवा केंद्र का शासकीय जो प्रमाण पत्र है उसको हासिल करने या आपको दिलाने वाले सेवा केंद्र का आप लाभ जरूर उठाएंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया।